प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं और ठीक 1 घंटा 36 मिनट बाद इंडिया टीवी पर देश के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप देख सकते हैं। बहरहाल अब रुख करते हैं बिहार का, बिहार के दरभंगा का रुख करते हैं, जाले विधानसभा सीट से देखते हैं पवन नारा की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और आज हम पहुंचे हैं जाले विधानसभा सीट। ये विधानसभा सीट जिन्ना के नाम से सुर्खियों में, वजह है कांग्रेस ने यहां से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष मकसूर अहमद उस्मानी को मैदान में उतारा है। वही छात्र अध्यक्ष जो जिन्ना की तस्वीर के विवाद के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संघर्ष करते दिखाई दिए थे और इसी बात पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन्ना को चाहने वालों को कांग्रेस ने टिकट दिया है और इसी तरीके से बिहार के चुनाव में जिन्ना की एंट्री हो गई है। आज हम ग्राउंड पर पहुंचे हैं वोटरों से बात करने के लिए, उनका मन टटोलने के लिए कि जमीन पर आखिर मुद्दे क्या हैं, क्या सिर्फ जिन्ना एक मुद्दा है या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है, क्या ब्रांड मोदी और ब्रांड नीतीश कुमार को महागठबंधन का ब्रांड युवा चुनौती दे पाएगा। इन सब सवालों को टटोलेंगे, आइए हमारे साथ। के विधानसभा चुनाव में सबसे युवा उम्मीदवार डॉक्टर मकसूर उस्मानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, राजनीति में कैसे आ गए और इतने युवा की सबसे युवा का तमगा आपके पास है? देखिए, मेरी पैदाइश दरभंगा में हुई, मेरी पढ़ाई दरभंगा में हुई, केंद्रीय विद्यालय यहाँ हवाई अड्डा एयरफोर्स स्टेशन पे हमारे स्कूल, वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। फिर उसके बाद मैं अलीगढ़ गया, वहाँ से मैंने मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। उसी दौरान मैंने वहाँ छात्र संघ का भी चुनाव लड़ा और छात्र संघ का चुनाव वहाँ पे मैंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की और 120 साल के इतिहास में इतना वोट किसी को नहीं आया, इतने अंतर से कोई नहीं जीता, मैं वहाँ चुनाव जीता। फिर उसका लगातार संघर्ष करता रहा, लोगों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ता रहा, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, किसानों के लिए लड़ाई लड़ता रहा। सड़क पे हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठियां खाई, डंडे खाए और मुझे लगता है कि मेरे इस संघर्ष को देखते हुए महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने और खास तौर से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने मेरे इस संघर्ष को जो है एक नाम दिया और उन्होंने मुझे यहाँ पर चुनाव लड़ने का आदेश दिया। चूंकि हमारा क्षेत्र है, हमारा घर है, तो हमसे कहा गया कि आप अपने घर से चुनाव लड़िए। आप तो संघर्ष की बात कर रहे हो, इसी संघर्ष पे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि ये वही संघर्ष था जो जिन्ना की तस्वीर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किया गया, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम पहले बता चुके हैं कि हम पत्र लिख दिए मोदी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर थे उस टाइम पे राजनाथ सिंह जी, हम पत्र लिखकर बोल दिए ले जाइए इसको अपने पास, ठीक है? कोई जवाब ही नहीं आया। मेरा यूनियन का टेन्योर में 20 दिन बचा हुआ था, खत्म हो गया, उसके बाद मैं सक्रिय राजनीति में आ गया। कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो सरकारी होता है वो किसी का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है जिसमें आप ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं। हमने सरकार को पत्र लिखने का काम किया, सरकार का जवाब नहीं आया, सरकार से सवाल पूछिए कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने क्यों नहीं उसको उतारा, ये आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए। हमने अपना काम किया है। बीजेपी के पास, विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो बिन मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा हमारे पास है, हम शिक्षा पे बात करेंगे। हमारे जाले विधानसभा क्षेत्र में 35% ऐसे लोग हैं जो आज भी अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते, सिग्नेचर नहीं जानते, वो अंगूठा लगाते हैं। अगर मुझे यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी मोहब्बत दी, तो मैं यहाँ के लोगों से वादा करता हूँ कि 100% तो नहीं, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता, 90% से ऊपर लिटरेसी रेट जाले विधानसभा की होगी और आने वाले 5 साल में कोई अंगूठा लगाने वाला नहीं होगा यहाँ पे। शिक्षा की बात है, पूरे बिहार में नीतीश कुमार 15 साल से हैं, उनकी क्या कमियां रह गई जो आप अपने वोटर के सामने बता रहे हैं? देखिए, कमियां उन्होंने कहा कि हमने विकास की धारा बहाई है, नीतीश जी का ये कहना है, और मैं ये कहता हूं कि आपने विकास की धारा नहीं, आपने विकास का नाली भी नहीं बहाया है। लेकिन अगर महागठबंधन की सरकार आती है और जाले की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ पर विकास की धारा नहीं बहाएंगे, हम यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं में जो कमियां हैं, आप देखिए, आप मेरे साथ चलिए, अगर आपको पूरा दिन है तो आपको हम घुमाते हैं पूरा। एपीएससीज में लेके चलता हूँ, पीएचसीज में लेके चलता हूँ, खंडर इमारतें दिखेंगी,
खंडर इमारत है। ऐसा लगता है कि 1990 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, या उसके बाद जब गठबंधन की सरकार थी, उसमें जो बिल्डिंग बनी है प्लास्टर होने से रह गया, सरकार बदल गई होगी, प्लास्टर नहीं हुआ होगा, तो आज तक पेंट छोड़िए प्लास्टर तक नहीं हो पाया उसमें। और डॉक्टर नहीं होते भाई, दवाइयां नहीं होती। मेरी माँ की तबीयत जब खराब होती है यहाँ पर तो मुझे लेकर शहर जाना पड़ता है, मेरी बहन को जब प्रसव पीड़ा होती है तो मुझे आओ बेटा स्कूल चलो, चूंकि अगर तुम शिक्षा ग्रहण करोगे तभी तुम तरक्की की ओर बढ़ोगे। कोरोना काल में प्रचार कितना मुश्किल कितना आसान, चूंकि आप अलीगढ़ पढ़ के आए, बिहार से थोड़ा दूर रहे, लोग अभी चेहरा नहीं पहचानते। नहीं नहीं, चेहरा कैसे नहीं, मेरा 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 घर है भाई, चेहरा कैसे नहीं पहचानेंगे, ठीक है। तो कोरोना काल में चुनाव प्रचार कितनी बड़ी चुनौती? बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन वो कहते हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। तो अभी तो हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो कोरोना है ये वक्ती कोरोना है। बिहार को कोरोना 15 साल पहले हुआ था, 15 साल से कोरोना है, असली उस कोरोना को भगाना है। और इस कोरोना से नीतीश कुमार की सरकार को असली कोरोना बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें भगाना इनका मकसद है। फिलहाल कह रहे हैं कि डॉक्टरी की पढ़ाई और शिक्षा यानी स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम करेंगे, वोट मांगने के लिए निकल रहे हैं, नामांकन पत्र फाइनल नहीं हुआ है, इसलिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, सड़क किनारे जो मिल रहा है उसको नमस्कार कर आगे बढ़ रहे हैं। चाय की दुकान है यहाँ, कांग्रेस या कहें कि महागठबंधन के उम्मीदवार अभी आके गए, उम्मीदवार आपके सामने थे, क्या सवाल किया? सवाल यही सब किए कि हम नवयुवक है, अभी सबसे इसमें युवा है, और अभी एक बार ला के देखिए, यही सब बताए। हाँ, आपके मन में क्या सवाल थे? हमारे मन में सवाल था कि एक बार देखें इनको भी ला के, नवयुवक है, नवयुवक में नया नया चीज में नया उमंग होना चाहिए, ये देख लेते हैं। यहाँ का ब्रांड अगर बात की जाए तो यहाँ नीतीश कुमार 15 साल से शासन कर रहे हैं, नीतीश कुमार के काम को आप कैसे आंक रहे हो? नीतीश कुमार जी भी ठीक है, तो गलत नहीं है, ठीक है ठीक है, लेकिन ये दारू बंद करके गलत किए। अच्छा, दारू बंद करके गलत किए, क्या मिल रही है, क्या महंगी मिल रही है? अरे मिल रहा है, वो विलेख से मिल रहा है, तो डबल पैसा जा रहा है ना। अच्छा, खर्चा बढ़ गया है। अब हम नहीं पीते, दूसरा पीता है, तीसरा पीता है, चौथा पीता है, दारू बंद करके गलत किया, लेकिन दारू तो गली गली में मिल रहा है। वोट दे बाबा, हम लोग जिनको दे आए हैं वही को वोट देंगे। अच्छा, बदलेंगे नहीं? नहीं बदलेंगे ना, ना बदलने का नेता की बात हो रही है, एक अनुभवी नेता है, नीतीश का काम कैसे आटते हैं, पास के फेल? नीतीश के लिए तो हम लोग अच्छा बुझते हैं, अच्छा अच्छा देखते हैं, तो कह रहे जहां दिए हैं वहीं देंगे, नीतीश को अच्छा देखते हैं। चुनाव में किसका दावा मजबूत लग रहा है? किसी का दावा रहने रहा उससे मतलब नहीं, गली कुची में दबे कुचले कमजोर वर्गो के, शोषित वर्गो के लिए आपका डबल इंजन की कोई भी सरकार हो क्या किया? कहते हम साथ नीचे की ये के वो के जाके जमीन पे जाकर देखे तो कि कोई काज नहीं भेल जाए, हवा पानी जुमलाबाजी बयानबाजी, गरीब गुरबा के पढ़ाई लिखाई बच्चा सबके, तोहर बच्चा कोटा में पढ़े, गरीब का बच्चा आंगनबाड़ी पढ़े, से दिमाग नहीं की भरम पढ़ावे के काज करे। फूट किस करवट बैठ रहा है? वोट तो लालू के करवट, लालू। हाँ, तो लालू जी तो अभी भी रिम्स में है, तो लालू के नाम पे पड़ रहा है कि तेजस्वी के नाम पे पड़ रहा है? वो बदल जाता है वो दूसरी बात है, लेकिन सब ज्यादातर के लालू के ही पक्का, लालू का ही चेहरा याद है। हाँ, वोट लालू के साथ ही है। हाँ, अच्छा, तो लालू का चेहरा आज भी है, भले ही वो रिम्स में हो, भले ही तेजस्वी मैदान में खड़े हो, लेकिन लालू को याद कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? बनना चाहिए नीतीश कुमार ही। हाँ, नीतीश कुमार बनना चाहिए। हाँ, कौन से काम में पास लग रहे हैं आपको? मैं तो दिख रहा है कि मतलब पढ़ाई लिखाई भी सही चल रहा है, रोड के काम भी हुआ है, सिलेंडर मिला है, बिजली मिला है, सब काम हो रहा है। हो रहा है? हाँ, चलिए अच्छी बात है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुखेश्वर राम। क्या स्थिति है बिहार चुनाव में, अब की बार वोट किसकी तरफ? हम नीतीश के साथ है। नीतीश के साथ है? हाँ। तो ब्रांड नीतीश जो जेडीयू है वो मजबूत है? वो मजबूत है, यानी कि एलजेपी जो है ना हमारी ज्यादा करके नहीं दे रहे, यानी कि मोदी के नाम पे दे रहे हैं वोट। आप मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं? हाँ। ब्रांड मोदी बड़ा है। हाँ। इसीलिए मंदिरों में जुट रही भक्तों की भीड़ को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने क्या मैसेज दिया, देखिए ब्रेक के बाद।